अभी प्यारे बच्चों, हम लोगों को बहुत सारे मेल मिले और मेल पर सब लोगों के पास में एक ही क्वेरी थी, सर मॉक टेस्ट होने वाला था, हम लोगों को टेंशन हो रही थी, मॉक टेस्ट दे दिया उसके बाद भी टेंशन हो रही थी, क्या सब लोगों के साथ में ऐसा ही होता है कि या फिर मैं अकेला ही ऐसा हूँ कि जिसके साथ में ये परेशानी होती है कि सर मॉक टेस्ट आने वाला होता है और मुझे टेंशन बढ़ने लगती है, क्या मेरे साथ में ऐसा ही फाइनल एग्जाम के टाइम पर भी होगा जब मैं मेरा फाइनल एग्जाम देने जाने वाला होऊंगा और मुझे टेंशन आ जाएगी, सर मुझे ऐसा फील होता है कि मैं सब भूलने लगता हूँ, जो मुझे आ रहा होता है वो भी मैं सब भूलने लगता हूँ, सर कोई मुझे बीमारी तो नहीं है, क्या कुछ ऐसा नहीं हो सकता कि मैं मुझे ये टेंशन ना आए और मैं बहुत ही आराम से एग्जाम को दे सकूं, क्या कारण हो सकता है सर इसके पीछे? तो भाई सिंपल सा कारण है, ये आपका सब्जेक्ट का डर है जो आपको ऐसा होने पर मजबूर कर देता है। आपने देखा होगा कि क्या होता है, जैसे एग्जाम आने वाली, जैसे जैसे एग्जाम पास में आती है, मान के चलो सुबह दूसरे दिन एग्जाम है और हम लोग जब जाते हैं बेड पर सोने जाते हैं तो हमें नींद ही नहीं आ रही होती है, जब बेड पर सोने जा रहे होते हैं तो नींद नहीं आ रही होती है, उस समय हमें पढ़ाई की टेंशन होती है और जैसे ही हम लोग फिर किताब लेके बैठने लगते हैं तो फिर हमें नींद आने लगती है। ये मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट के साथ में ऐसा ही होता है, क्यों होता है आखिर ऐसा, क्या कारण है? तो ये सब के सब जो भी है बेटा, ये है सिर्फ और सिर्फ आपका सब्जेक्ट का डर। सब्जेक्ट का डर एक ऐसा पॉइंट है जिससे बहुत सारे स्टूडेंट्स जूझते हैं, जो भी स्टूडेंट्स कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, जितने भी अब ऑल ओवर इंडिया में भी हम लोग बात करें, ऐसा मेडिकल एंट्रेंस के लिए देखें तो लगभग 15 लाख बच्चे तैयारी कर रहे हैं और हर किसी के मन में एक छोटा सा डर समाया हुआ रहता है किसी ना किसी सब्जेक्ट को लेकर के, यार मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। लेकिन आपने सुना होगा, मन के हारे हार हैं मन के जीते जीत, जिसने जो मन से हार गया वो हार गया, और समझे हो जिसने अपने मन को पक्का बना लिया कि नहीं आई कैन डू इट आई विल डू इट, वो पक्का इस भव सागर को पार करते हुए, इस कंपटीशन की दुनिया को पार करते हुए, इस कंपटीशन एग्जाम को क्रैक करते हुए आगे निकल जाता है। लेकिन जब ये कर रहा होता है तो बहुत सारी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, कई बार कई स्टूडेंट्स के साथ में ऐसा होता है कि उनकी आर्थिक परिस्थिति इतनी अच्छी नहीं होती है कि वो सारे रिसोर्सेज को परचेज कर सके, सारे रिसोर्सेज उनके पास में अवेलेबल हो। तो बेटा मैं उनके लिए भी आपको बोलना चाहूंगा, देखो मेरे साथ में एक, मैं जब छोटा था मेरे साथ में बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ा करते थे, मेरे साथ में ही थे तो वो भी पढ़ते थे, भाई ऐसा थोड़ी कि मैं अकेला ही पढ़ता था, नहीं सब पढ़ते थे। अब उनमें एक स्टूडेंट हुआ करता था, वो काफी गरीब स्टूडेंट था और उसकी आर्थिक परिस्थिति इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन क्या होता है कि देखो यदि पढ़ने वाला हो, यदि आपकी इच्छा शक्ति बहुत ही मजबूत हो, आपने किया हुआ जो संकल्प है अपने आप से कि नहीं मैं ये करके दिखाऊंगा, तो आप डेफिनेटली आप सफलता को पा सकते हैं। उसने क्या किया, उसने सिर्फ और सिर्फ अपने दोस्तों से मदद मांगी और दोस्तों ने उसको मदद दी। अब बहुत सारे आपके आजू बाजू में आपको ऐसे विद्यार्थी देखने को मिल जाएंगे जिनके पास में रिसोर्सेस की कोई कमी नहीं है, लेकिन वो पढ़ना नहीं चाहते हैं, वो क्या करते हैं, बुक चाहिए बुक खरीद ली, आज बुक खरीद के लेके आए, उसको देखा उल्टा पलटा और बाद में रख दिया, अरे छोड़ यार इसको कल ही देखेंगे, बहुत सारे स्टूडेंट मिलेंगे। क्यों? अरे आप सोचिए 15 लाख विद्यार्थी नीट का एग्जाम दे रहे, तो क्या 15 लाख सब सीरियस हैं? बिल्कुल सीरियस नहीं है, आपको आपकी एक सीट के लिए झगड़ना है, इस बात में कोई दो राय नहीं है, लेकिन भाई वो 15 लाख के 15 लाख तो वहां नहीं पहुंचने वाले, भाई आपकी मेडिकल की सीट कितनी, 5,000 10,000 प्राइवेट गवर्नमेंट सब मिला के भाई हम लोग मान लेते हैं कि सब कुछ आपने कर लिया तो 15,000-20,000 आपके ओवरऑल इंडिया की सीट्स आएंगी, उसके बाद बचे हुए बच्चों का क्या? लेकिन रिसोर्सेज वाले बच्चे बहुत अवेलेबल होंगे, तो आपको अपनी साइड से थोड़ा सा आप देख सकते हैं, क्योंकि यदि आप पढ़ रहे हैं तो आप अपने आजू बाजू के वातावरण को आप ही अच्छे से पहचान सकते हैं और वहां से रिसोर्सेज को अवेलेबल कीजिए, आप उसकी मदद करने की कोशिश कीजिए और वो बदले में आपको भी मदद मिलेगी। कैसे कि भाई कोई आपको ऐसा स्टूडेंट मिला जिसके पास में वो पर्टिकुलर बुक है और वो आपको पढ़नी है और उसको आप हेल्प कीजिए। कैसे कि भाई देख मैं तेरे को ये बता दूंगा लेकिन मेरे को देखना तो पड़ेगा कि भाई मैं इसमें से कैसे बताऊं क्या है दिया हुआ है, आपको हेल्प मिलेगी और आप इसका यूज कर पाएंगे। अब यहां से हम लोग जब आगे बढ़े तो ये आपके मन का जो डर है पहले उसको निकालना है। अब आप देखो सुबह उठ गए सो के, अब आपने मॉक टेस्ट दिया, मॉक टेस्ट देने से पहले डर तो लग ही रहा था, अब डर से
कैसे तू भी डरते गिरते पड़ते, आपने बोला कि यार अब देना तो है, चलो दे ही देते हैं, क्या होगा जो होगा सो देखा जाएगा, करते हुए आपने दे दिया। अब मॉक टेस्ट का रिजल्ट आया, अब मॉक टेस्ट का रिजल्ट आने के बाद फिर टेंशन हो गई। क्यों टेंशन हो गई? नंबर कम आए सर। सर मैंने पढ़ा तो बहुत कुछ था लेकिन नंबर कम रह गए, कुछ सिली मिस्टेक्स हो गई, कुछ मेरे को कॉन्सेप्ट टाइम पर याद नहीं आए, क्या करूं? देखो सबसे पहली बात तो यह है कि जो भी मॉक टेस्ट का रिजल्ट आया है उसका सामना कीजिए। आपने सुना होगा सच का सामना, तो वही है आज जो कुछ भी मॉक टेस्ट का रिजल्ट है वही सच है और उसका आपको पहले सामना करना है, उससे भागना नहीं है। यदि उससे आप भागे तो फिर वो आपके आपको भगाता ही रहेगा और आप जिंदगी भर भागते रहेंगे। नहीं, ऐसा नहीं करना है, रुकिए, अड़िग हो जाइए और सामने खड़े होकर देखिए कि नहीं, मैं तुमसे नहीं डरता हूं, मैं तुम्हें डराऊंगा, तुम्हें भागना पड़ेगा, मैं आ रहा हूं, मैं पूरी मेहनत के साथ मैं आ रहा हूं। देखो एक कहानी है, बहुत ही पुरानी कहानी है, उसमें क्या होता है कि एक राजा होता है और वो राजा अपने एक बहुत ही शक्तिशाली राजा के ऊपर आक्रमण कर देता है और वो बेचारा हार जाता है। अब हारने के बाद में क्या, ना उसके पास सेना बचती है ना कुछ बचती है, और वो जाता है एक झोपड़ी के अंदर में, उसे बहुत भूख लगी होती है, झोपड़ी के अंदर में एक दादी अम्मा रहती है, उस दादी अम्मा से बोलता है दादी माँ मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा? तो दादी माँ क्या करती है कि दादी माँ के पास में दादी माँ ने खिचड़ी बनाई हुई होती है, वो खिचड़ी उस राजा को दे देती है। उसको नहीं मालूम कि वो राजा है, क्यों, राजा तो छुपते छुपाते भाग रहा है। उसने उसको खिचड़ी दी, राजा को भूख लगी थी, उसने आओ देखा ना ताव और खिचड़ी के बीच में डाल दिया हाथ, और जैसे खिचड़ी के बीच में डाला हाथ उसका हाथ जल गया। दादी माँ बोली तुम भी बिल्कुल हमारे राजा के जैसे ही हो। उस राजा ने पूछा क्यों कैसे? बोले भाई खिचड़ी खानी है तो पहले साइड साइड से खानी है, साइड की खिचड़ी ठंडी हो चुकी है, तुमने सीधा बीच में हाथ डाल दिया तो तुमने अपने हाथ को जला लिया। तो बोले उसने पूछा कि इसका और राजा का क्या संबंध? भाई राजा ने भी वही किया, राजा को पहले धीरे धीरे कॉर्नर कॉर्नर से छोटे छोटे राज्यों को पहले जीतना चाहिए था और फिर बड़े राजा के ऊपर आक्रमण करना चाहिए था, हमारे राजा ने आओ देखा ना था सीधा बड़े राजा पे आक्रमण कर दिया और हार गया। तो उस राजा को समझ में आया कि नहीं, ये मैंने गलती करी थी। अब यही गलती, अब कई बच्चे बोल रहे हैं सर इस कहानी का ये तो वास्तविक जीवन में ठीक है समझ में आती है, लेकिन हमारे पढ़ाई के लिए इसका क्या इंपॉर्टेंस है, क्या रोल प्ले कर सकती है? तो देखिए भाई क्या होता है, एक पर्टिकुलर स्टूडेंट के लिहाज से यदि मैं सोचूं, मान के चलो मैं ऐसा स्टूडेंट हूं जिसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स डिफिकल्ट लगती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स डिफिकल्ट लगती है, ठीक है। अब इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को करने के लिए कुछ तो एक बेस होगा ना, कि बिना बेस के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स करनी है? नहीं, एक फ्लो होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स डिफिकल्ट क्यों लग रही है? क्योंकि आपने सीधा सीधा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे हाथ डाल दिया। नहीं, पहले आप सोचिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ने के लिए मैकेनिक्स रिक्वायर्ड है? आंसर है यस। तो इसका मतलब आपको थोड़ा मैकेनिक्स पढ़ना ही पड़ेगा। आप मैग्नेटिज्म में जा रहे हैं, अब आपके पुराने कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, आप सीधा जंप मार गए, और ये जंप उसी प्रकार से है जिस प्रकार से राजा ने सीधा खिचड़ी के बीच में हाथ डाला और अपना हाथ जलाया, वैसे आप भी क्या करते हैं कि आप बेसिक से पढ़ते नहीं है और सीधा कोई हाईफाई चैप्टर उठा लेते हैं, सब बोलते हैं लॉज ऑफ मोशन में से क्वेश्चन ज्यादा आएंगे, आपने लॉज ऑफ मोशन पे सीधा हाथ डाल दिया लेकिन आपको वेक्टर का आइडिया नहीं आ रहा है, आप कैसे करोगे? परेशानी में अटक गए और आप बोलोगे ये चैप्टर बहुत डिफिकल्ट है। ये कारण होते हैं कुछ, आपको आपने ईएम वेव को देखा या मैग्नेटिज्म के बारे में पहुंच गए, सीधे मैग्नेटिज्म पे पहुंच गए, लेकिन पुराना बेस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का क्लियर ही नहीं किया, अटक गए गाड़ी आपकी। तो ये इस कहानी से आपको सीख मिलती है। और देखो कोई भी सब्जेक्ट आप उठा लीजिए, कोई डिफिकल्ट नहीं होता है, यदि आप अपने मन से उस सब्जेक्ट को चाहेंगे कि नहीं भाई मैं कुछ भी करूंगा इसे हासिल करके रहूंगा। देखो जब भी किसी चीज को आप पूरे शिद्दत से चाहते हैं तो पूरी कायनात उसे मिलाने में लग जाती है। ये बहुत ही फेमस सी मूवी का डायलॉग है जो मुझे अचानक से याद आया, तो इस बात को मैं सिंपल सी यहाँ पे आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। देखिए भाई आपको तीन सब्जेक्ट हैं, बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, तीनों अपनी जगह पर है, बायोलॉजी अपनी जगह, केमिस्ट्री अपनी जगह, फिजिक्स अपनी जगह, लेकिन फिजिक्स वो सब्जेक्ट है जो आपकी रैंक डिसाइड करेगा कि आप टॉपर बनोगे कि थोड़ा सा आपके मार्क्स कम आएंगे, ये सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स डिसाइड करता है।
और फिजिक्स, यकीन मानिए फिजिक्स बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। आप एक बार इंटरेस्ट लेके तो देखिए भाई, फिजिक्स डिफिकल्ट है ना, हार्ड है ना। अब देखो, जो चीज आसानी से मिल जाए उसमें मजा ही क्या है। जब यदि आपको कोई चीज बहुत ही कठिनाई से मिलती है, बहुत ही परिश्रम के बाद मिलती है, तो उसे पाने का जो सुख होता है वो बहुत ही अप्रतिम होता है। हालांकि अब मैं यहाँ पे एक बात को थोड़ा सा एक अलग पॉइंट से बोलता हूँ कि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जिनको प्यार हो चुका होगा इसी कच्ची उम्र में, लेकिन मेरा मानना यह है कि ये प्यार करने की उम्र अभी तो नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ लोग होंगे जिन्हें प्यार हो गया होगा। मैं उनका एक सिंपल सा उदाहरण देता हूँ कि भाई, यदि आपको हो गया है प्यार किसी से, जो भी एक्स वाई जेड हैं, अब यदि वो तुरंत आपको हाँ बोल दें तो उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि आपने कुछ परिश्रम किया ही नहीं। लेकिन यही यदि पूरी मेहनत से यदि वही आपको बोल दे जिससे आपको प्यार हुआ है, उन्होंने बोल दिया कि नहीं भाई, क्या है तुम्हारी औकात, क्या है तुम्हारी, कुछ भी तो नहीं हो, पहले तुम डॉक्टर बन के दिखाओ और फिर प्यार की बातें करना, तो जो आपके अंदर में जुनून जागेगा उसी जुनून को आज ही आप जगाइए कि नहीं भाई, पहले कुछ बन जाएंगे उसके बाद प्यार के लिए समय निकालेंगे। आपने एक तितली को उसके कोष में से बाहर आते हुए देखा है, वो उसके लिए बहुत छटपटाती है, यदि वो उसका छटपटाना बंद कर दिया जाए तो उसके पंख बेटा बहुत ही कमजोर रह जाएंगे और वो मर जाएगी। तो जिंदगी में, जीवन में सफलता का एकमात्र रहस्य है और वो है कठोर परिश्रम। कठोर परिश्रम यदि आप कर रहे हो तो डेफिनेटली आप टैलेंट को बीट कर सकते हो। क्या है टैलेंट? टैलेंट को हार्ड वर्क से बीट किया जा सकता है। हार्ड वर्क कैन बीट टैलेंट इफ टैलेंट डजंट वर्क हार्ड। टैलेंट यदि हार्ड वर्क नहीं किया तो आपका हार्ड वर्क उस टैलेंट को जरूर बीट कर देगा। और यही हार्ड वर्क धीरे 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 आप एक सब्जेक्ट के प्रति लेके आइए। फिजिक्स ऐसा सब्जेक्ट है, आप देखिए डे टू डे लाइफ में बहुत सारी चीजें आपके आसपास में हो रही होती हैं और सब चीजें फिजिक्स से ही चल रही होती है। अरे आपके, आप जो सांस ले रहे हो, आपके बॉडी में जो खून बह रहा है, उन सबके पीछे फिजिक्स है भाई। हर सबके पीछे फिजिक्स है। आप घर में बटन दबा देते हो, लाइट चालू हो जाती है, पानी का मोटर का बटन दबाया, पानी नीचे से ऊपर आने लगता है, सब जगह फिजिक्स है। यदि आप ढूंढने जाओगे तो सब जगह फिजिक्स मिलेगी और तभी आपको फिजिक्स में प्यार जागेगा। अरे भाई, आप सिंपल सी बात है, घर में ओवन में खाना बनाते हो, पढ़ाई की नहीं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर में ऐसा कुछ पढ़ाई की नहीं पढ़ाई। आपके घरों में सप्लाई आ रही होती है अल्टरनेटिंग करंट, पढ़ाई की नहीं पढ़ाई, जगाइए इंटरेस्ट। आपके घर में जो लाइट का बल्ब जल रहा है, क्या हुआ वहां पे? इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो गई लाइट एनर्जी में, नहीं पढ़ा। अरे पढ़ाए, आजू बाजू में देखिए तो सही, जरा आप अपनी मुंडी घुमाएंगे तो आपको सब तरफ फिजिक्स ही फिजिक्स नजर आएगी। और जब सब तरफ फिजिक्स आ रही है तो ये बात तो लाजमी है कि यार उसके प्यार में तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। और एक बार आप फिजिक्स के प्यार में पड़ गए तो फिजिक्स फिर आपको कभी नाराज होने का मौका नहीं देगी और आपके एंट्रेंस के सिलेक्शन को एक श्योर शॉट बनाकर रहेगी। और ये यदि सिलेक्शन, देखो सिंपल सी बात है, फिजिक्स में स्कोर आया मतलब आपने बाजी को पलट दिया। देखो, आपको बाजीगर बनना है, आपको दूसरों की गलतियों से सीखना है। दूसरे ने गलती करी उससे आप सीखिए, दूसरे की गलती से आप सीखेंगे तो आपका फायदा होगा। जरूरी नहीं है, यदि आपने देखा कि भाई ये व्यक्ति इस रास्ते से गया था और वो आगे जाके गड्ढे में गिर गया, तो क्या आप वापस से उसी रास्ते पर जाके उस गड्ढे में अनुभव करेंगे कि नहीं यार, अच्छा इस रास्ते से गए इसलिए गड्ढे में गिरा? नहीं, नहीं नहीं नहीं, दूसरा गिर गया ना, ठीक है, आप उससे सबक लीजिए। और क्या सबक लेंगे? कि दूसरों की गलतियों से भी सीखा जा सकता है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हम खुद पहले गलती करें और फिर उससे सीखें, क्योंकि यदि दूसरे की गलतियों से सीखेंगे तो आप कम समय में ज्यादा अनुभव को पालेंगे, लेकिन यदि आप पहले खुद गलती करेंगे और फिर सीखेंगे तो इसमें समय ज्यादा लगेगा। तो देखो, समय समय का ही तो खेल है, पूरा पेपर 3 घंटे का पेपर, 180 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, तो समय का ही पूरा खेल है। आपने एक मूवी देखी होगी नायक करके, अनिल कपूर और उसमें एक विलन है, यदि नाम हो, यदि आपको याद हो, सो उसके अंदर में वो मुख्यमंत्री के लिए चल रहा होता है पूरा खेल, तो उसमें विलन बोलता है कि हमारा 40 साल का राजनीति का अनुभव है। तब अनिल कपूर उसे क्या बोलता है, तुम्हारा 40 साल का राजनीति का अनुभव होगा, लेकिन 1 साल से तुमसे कबड्डी खेलते खेलते हमारा अनुभव अभी 40 और 41 साल का हो गया है।
तो किससे सीखा अनिल कपूर ने उस मूवी में? सामने वाले के अनुभव को उसने अपने अनुभव में काउंट कर लिया, भी तुमने जो सीखा तुम्हारे अनुभव से हमने सीख लिया अभी, तो दूसरे ने गलती करी उसकी गलती से आप सीख जाइए और अब अमल में लाइए। ऐसा नहीं कि बस अच्छा ऐसी गलती हो रही है, ठीक है होने दो, कोई दिक्कत नहीं है, उससे सीखिए। यदि सीखेंगे नहीं तो आप हारेंगे, और यदि हारेंगे तो टूटेंगे। लेकिन बेटा एक सिंपल सी बात याद रखना, हारना नहीं है, या तो आप जीतेंगे और या तो आप सीखेंगे, हारेंगे नहीं। हारना नहीं है, हारना मना है। एक सिंपल सा रूल, या तो मैं जीत जाऊंगा और नहीं जीता तो मैं उससे कुछ ना कुछ सीख जाऊंगा, क्योंकि हार कर जीतने वाले को ही तो बाजीगर कहते हैं।